गुड मॉर्निंग। रोज की तरह आज फिर से आपका मुनाफा सूत्राधूज में स्वागत है। रोज की तरह मैं आप लोगों के लिए फिर टॉप हेडलाइंस, निफ्टी का व्यू और ब्रोकर रिकमेंडेशंस लेकर आया हूँ। मुनाफा पिक्स का सेक्शन हम लोग मंडे मंडे करा करेंगे, अब रोज नहीं करेंगे इसे। आप में से कुछ लोगों की ईमेल आई कि रोज एक नया शेयर बता देते हो, तो पहले वाला होल्ड करें या ना करें, तो एटलीस्ट एक वीक की होल्डिंग बताइए। तो वो एक वीक की होल्डिंग वाले शेयर बताया करेंगे मंडे मंडे। अच्छा, निफ्टी व्यू सेम है जो जो कल था, 11,420, 11,430, इसके पास में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। 12,050, 12,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। कल भी आपको बताया था 12,022, 12,023, सॉरी 12,022-23, 12,023, 12,022 वहां पर रेजिस्टेंस है। वहां तक भी नहीं पहुंचा, 12,000 टच करने से पहले ही गिरना शुरू हो गया। हालांकि कल की गिरावट भी खास ज्यादा नहीं थी, बड़े दिनों के बाद पिछले 9-10 दिन में पहली बार थोड़ा सा करेक्शन दिखाया निफ्टी ने। आज भी 12,050, 12,100 के आसपास अपना अपर साइड का टारगेट लगा के चलिए। अच्छा, गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है? गिरेगा तो 11,800 के आसपास तक गिरने की मतलब गिर सकता है, अगर गिरना शुरू होता है तो। थोड़ा हो सकता है 11,800 के नीचे में निकल जाए, 750, 760, 11,760, 11,750 इसके आसपास भी जाने की बात बन सकती है अगर गिरना शुरू होता है। ये जब मार्केट खुलेगा तो मुनाफासूत्रा.com पे फियर ग्रीड मीटर है, वो चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि नीचे का ट्रेड लेना है या ऊपर का लेना है। कल की मेन गिरावट में ये बैंकिंग स्टॉक जो हैं, इनमें ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। ज्यादातर तो ये भी भाग रहे थे अभी ऊपर, पिछले कुछ दिनों में इनमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। रीजन ये है कि कोर्ट में इंटरेस्ट वेवर पे डिसीजन आना है। बैंक्स ने उसमें अपनी अपील डाली है कि अगर हम लोग इंटरेस्ट वेव ऑफ करना शुरू कर देंगे कस्टमर्स का, हम जैसे आप जैसे लोगों का, कॉमन लोगों का, तो बैंकों को घाटा हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, अभी पीछे इन बैंक्स ने बड़ी बड़ी कंपनीज के पूरे पूरे लोन वेव ऑफ कराए, लेकिन हमारा आपका इंटरेस्ट वे ऑफ करने से इनको घाटा होने लगेगा। अच्छा है, फ्लिपकार्ट पतंजलि, इनको शो कॉज नोटिस भेजा गया है एनवायरमेंट के उस पे। ये जो इनका सब सामान वान बनता है, इसमें जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसकी डंपिंग ठीक से नहीं करी है, उसके लिए शो कॉज नोटिस गया है। शैलबी का शेयर प्राइस 4% भागा, इनके रिजल्ट आए हैं। इनका लॉस हुआ करता था 8 करोड़ ऐसे वैसे, अब की बार 24 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, तो शेयर में अच्छी तेजी आई है। कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स ही चेंज हुए होंगे, आने वाले कुछ दिनों में लेके आएंगे आपके डिटेल्स। ब्रोकर रिकमेंडेशन देख लेते हैं। इंफोसिस के ऊपर ब्रोकर रिकमेंडेशन दी है शेर खान ने, टारगेट दे रहे हैं 1,300 का। ये आज की इंट्राडे कॉल्स नहीं है, इंट्राडे कॉल्स आपको मुनाफासूत्रा.com पे मिल जाएंगी। वहां जाइए, होम पेज पे ही ऊपर ही बटन है इंट्राडे टिप्स, उसको दबाइएगा, वो आपके सामने इंट्राडे की वो कॉल आ जाएंगी। ये वाली जो है ये पोजिशनल है, ब्रोकर लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं, जो 5-6 ब्रोकर हैं जिनको हम लोग ट्रैक करते हैं, तो उसमें इंफोसिस ने दी है, सॉरी ये शेर खान ने दी है इंफोसिस पे 1,300 का टारगेट दे रहे हैं। जियो जेट ने इस पे दिया है टीसीएस पे 3,200 समथिंग का टारगेट दे रहे हैं। टीसीएस में जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी पीछे 2-4 दिन पहले जो जो ब्रोकर हम ट्रैक करते हैं, 4-5 ब्रोकर्स हैं, दौलत कैपिटल है, मोतीलाल है, शेर खान है, प्रभुदास हैं, जितने हम ट्रैक करते हैं सबने उठा के टीसीएस पे बाय कॉल दी थी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो
आज का न्यूज सेशन यही खत्म करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे। और आपके अगर कोई सवाल है तो मुनाफासूत्र.com पे जाइए, होम ऊपर चैट का बटन है उसको दबाइए और अपना क्वेश्चन वहां छोड़ दीजिए। ये जो न्यूज बुलेटिन आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो आपके सवालों का जवाब नहीं देता हूं मैं, पर मुनाफासूत्र.com पे जब आप जाएंगे तो पहले ही न्यूज का वीडियो आएगा, उसके बाद आपके जो सवाल है उनके जवाब देता हूँ मैं। तो आपको कोई सवाल है तो कौन सा शेयर खरीदना है, क्या टारगेट रखें, क्या स्टॉप लॉस रखें, कुछ भी ऐसा, तो वहाँ चैट में छोड़ दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। कल आपसे फिर मिलेंगे, थैंक यू।